हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन राइटर और ह्यूमन कंप्यूटर मिस शकुंतला देवी के बारे में। दोस्तों, साथ ही हम जानेंगे उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में, उनके इंटरव्यू के बारे में। फ्रेंड्स, कैसे वो एक कॉमन ह्यूमन से एक ह्यूमन कंप्यूटर बनी, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें शकुंतला देवी की, तो उनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1929 भारत के बेंगलोर शहर में। दोस्तों, इनका जन्म एक हस्तविद्या जानकार के घर में हुआ था, जिन्होंने इनके जन्म के दौरान ही इनके हाथ देकर बताए थे कि ये बहुत ही अनोखी पुत्री है। पर का सोचना था शायद ये बड़ी होकर गायिका या नर्तिका बनेगी, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये गणितज्ञ और इंडियन राइटर बनेगी। तो फ्रेंड्स, बात करें इनकी कुछ और खूबी की, तो फ्रेंड्स ये गणितज्ञ, ज्योतिषी, लेखिका और बांसुरी वादक ऐसी खूबियों की प्रतिभाशाली धनी थी। दोस्तों, गणित की तो इनमें ऐसी खूबी थी कि उन्होंने 13 अंक वाले दो नंबरों का गुणन केवल 28 सेकंड में बताकर इस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया था 1982 में। तो उनके जीवन की एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने कभी भी जीवन में स्कूली पढ़ाई नहीं की। जी हाँ दोस्तों, स्कूली पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो सर्कस दिखाते थे और एक शहर से दूसरे शहर अपने कर्तव्य के लिए, अपने काम के लिए जाते थे, तो साथ में वो भी जाती थी। और फ्रेंड्स, इसके बावजूद उन्हें हिंदी, इंग्लिश और तमिल आती थी। फ्रेंड्स, इंग्लिश में उन्होंने एक अपना उपन्यास भी लिखा है और साथ ही तमिल में उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं। हिंदी उन्हें पढ़ना या लिखना तो नहीं आता था, लेकिन वो बोल जरूर लेती थी। तो फ्रेंड्स, एक इंटरव्यू में BBC ने उनसे पूछा कि आप ये कैसे कर पाए, जब आप स्कूल ही नहीं गई तो आपने इंग्लिश हिंदी कैसे सीखी। उनका जवाब था कि उन्होंने ये अभ्यास से सीखा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रतिभाशाली की धनी थी शकुंतला देवी। शकुंतला देवी अपनी प्रतिभा को भगवान की देन मानती थी और वो गणित को एक कॉन्सेप्ट और लॉजिक मानती थी। उन्होंने अपने इस हुनर को, काबिलियत को दुनिया भर के कॉलेज, थिएटर, रेडियो और टेलीविजन शो पर प्रदर्शित भी किया है। बात करें अमेरिका में 1977 में शकुंतला देवी ने कंप्यूटर से मुकाबले किया, जहां उन्होंने 9 अंकों की संख्या का घनमूल 1 सेकंड में बता दिया। इसे देखने वाले काफ़ी हैरान हुए। और बात करें 1980 में, जब वे लंदन में, बात करें 1980 में उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज में 13 अंकों वाली दो संख्या चुनी गई। शकुंतला देवी ने इसका जवाब तुरंत बता दिया। तो फ्रेंड, इससे देखने वाले सभी हैरान थे। इसी तरह लंबी लंबी गणनाओं से सबको हैरान कर देने वाली शकुंतला देवी पर 1988 के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर ऑर्डर जेंसन के अध्ययन ने बताया। जेंसन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उनकी नोटबुक पर उत्तर लिखने से पहले ही शकुंतला देवी जवाब देती थी। यह अनुभव भी उन्होंने BBC के इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने वर्ष 1977 में वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल किताब लिखी, जिसे भारत में समलैंगिकता पर पहली किताब कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी उनकी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। ह्यूमन कंप्यूटर कहे जाने वाली शकुंतला देवी गणित के अलावा कुकरी पर भी किताबें लिख चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी बहु प्रतिभाशाली की धनी शकुंतला देवी के ऊपर एक मूवी बनने जा रही है, जिसमें शकुंतला देवी का रोल विद्या बालन निभा रही हैं। तो फ्रेंड्स, 31 जुलाई 2020 में अमेजॉन प्राइम पर ये रिलीज होने वाली है, एक बार आप जरूर देखें। साथियों, ऐसी बहुमुखी प्रतिभाशाली की धनी शकुंतला देवी का निधन 21 अप्रैल 2013 में बेंगलोर हॉस्पिटल में हुआ था। फ्रेंड्स, ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानने वाली शकुंतला देवी इस बायोग्राफी के ऊपर एक मूवी बनने जा रही है, जो कि अमेजॉन प्राइम पर दिखाई जाएगी 31 जुलाई 2020 को। तो फ्रेंड्स, एक बार आप उसे जरूर देखें। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को यूज़फुल लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और फ्रेंड्स, अगर पहली बार अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कैसे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।